नमस्कार, आइए सुनते हैं मुंशी प्रेमचंद की लिखी कहानी ठाकुर का कुआं। जोखू ने लोटा मुंह से लगाया तो पानी में सख्त बदबू आई। गंगी से बोला, यह कैसा पानी है, मारे वास के पिया नहीं जाता, गला सूखा जा रहा है और तू यह सड़ा पानी पिलाए देती है। गंगी प्रतिदिन शाम पानी भर लिया करती थी। कुआं बहुत दूर था, बार बार जाना मुश्किल था। कल वह पानी लाई तो उसमें बू बिल्कुल ना थी, आज पानी में बदबू कैसी। लोटा नाक से लगाया तो सचमुच बहुत बदबू थी। जरूर कोई जानवर कुएं में गिरकर मर गया होगा, मगर दूसरा पानी आवे कहाँ से। ठाकुर के कुएं पर कौन चढ़ने देगा, दूर से लोग डांट बताएंगे। साहू का कुआं गांव के उस सिरे पर है, परंतु वहां कौन पानी भरने देगा। चौथा कुआं गांव में है नहीं। जोखू कई दिन से बीमार है। कुछ देर तक तो प्यास रोके चुप पड़ा रहा, फिर बोला, अब तो मारे प्यास के रहा नहीं जाता, ला थोड़ा पानी, नाक बंद करके पी लूं। गंगी ने पानी न दिया, खराब पानी पीने से बीमारी बढ़ जाएगी, इतना तो जानती थी, परंतु यह न जानती थी कि पानी को उबाल देने से उसकी खराबी जाती रहती है। बोली, यह पानी कैसे पियोगे, न जाने कौन जानवर मरा है, कुएं से मैं दूसरा पानी लाए देती हूँ। जोखू ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा, दूसरा पानी कहाँ से लाएगी, ठाकुर और साहू के दो कुएं तो हैं, क्या एक लोटा पानी ना भरने देंगे। हाथ पांव तुड़वा आएगी और कुछ ना होगा, बैठ चुपके से ब्रह्म देवता आशीर्वाद देंगे, ठाकुर लाठी मारेंगे, साहू जी एक के पांच लेंगे। गरीबों का दर्द कौन समझता है, हम तो मर भी जाते हैं तो कोई द्वार पर झांकने नहीं आता, कंधा देना तो बड़ी बात है, ऐसे लोग कुएं से पानी भरने देंगे। इन शब्दों में कड़वा सत्य था, गंगी क्या जवाब देती, किंतु उसने वह बदबूदार पानी पीने को न दिया। रात के 9 बजे थे, थके मांदे मजदूर तो सो चुके थे, ठाकुर के दरवाजे पर 10-5 बेफिक्रे जमा थे। मैदानी बहादुरी का तो न जमाना रहा न मौका, कानूनी बहादुरी की बातें यहां हो रही थी। कितनी होशियारी से ठाकुर ने थानेदार को एक खास मुकदमे में रिश्वत दे दी और साफ निकल गए। कितनी अकलमंदी से एक मार्के के मुकदमे की नकल ले आए। नाजीर और मोहतिमीम सभी कहते थे, नकल नहीं मिल सकती, कोई 50 मांगता कोई 100, यहां वे बे पैसे कौड़ी के नकल उड़ा दी। काम करने का ढंग चाहिए। इसी समय गंगी कुएं से पानी लेने पहुंची। कुप्पी की धुंधली रोशनी कुएं पर आ रही थी। गंगी जगत की आड़ में बैठी मौके का इंतजार करने लगी। इस कुएं का पानी सारा गांव पीता है, किसी के लिए रोक नहीं, सिर्फ ये बदनसीब नहीं भर सकते। गंगी का विद्रोही दिल रिवाजी पाबंदियों और मजबूरियों पर चोटें करने लगा। हम क्यों नीच हैं और ये लोग क्यों ऊंच हैं, इसलिए कि ये लोग गले में तागा डाल लेते हैं। यहां तो जितने हैं एक से एक छंटे बदमाश हैं, चोरी ये करें, जाल फरेब ये करें, झूठे मुकदमे ये करें। अभी इस ठाकुर ने तो उस बेचारे गडेरिये की भेड़ चुरा ली थी और बाद में मारकर खा गया। इन्हीं पंडित जी के घर में तो बारहों मास जुआ होता है, यही साहू जी तो घी में तेल मिलाकर बेचते हैं, काम करा लेते हैं, मजदूरी देते नानी मरती है। किस बात में है हमसे ऊंचे, हाँ मुंह में हमसे ऊंचे हैं, हम गली गली चिल्लाते नहीं कि हम ऊंचे हैं हम ऊंचे हैं। कभी गांव में आ जाती हूँ तो रस भरी आंखों से देखने लगते हैं,
जैसे सबकी छाती पर सांप लौटने लगता है। परंतु घमंड यह कि हम ऊंचे हैं। कुएं पर किसी के आने की आहट हुई। गंगी की छाती धक धक करने लगी। कहीं देख ले तो गजब हो जाए, एक लात भी तो नीचे ना पड़े। उसने घड़ा और रस्सी उठा ली और झुक कर चलती हुई एक वृक्ष के अंधेरे में जा खड़ी हुई। कब इन लोगों को दया आती है किसी पर। बेचारे महंगू को इतना मारा कि महीनों तक लहू थूकता रहा, इसलिए कि उसने बेगार ना दी थी। इस पर ये लोग ऊंचे बनते हैं। कुएं पर दो स्त्रियां पानी भरने आई थी। इनमें बातें हो रही थी। खाना खाने चले और हुक्म हुआ कि ताजा पानी भर लो, घड़े के लिए पैसे नहीं हैं। हम लोगों को आराम से बैठे देखकर जैसे मर्दों को जलन होती है। हाँ, यह तो ना हुआ कि कलसिया उठाकर भर लाते, बस हुक्म चला दिया कि ताजा पानी लाओ, जैसे हम लौंडिया ही तो हैं। लौंडिया नहीं हो तो और क्या हो तुम, रोटी कपड़ा नहीं पाती, 10-5 रुपए भी छीन झपट कर ले ही लेती हो, और लौंडिया कैसी होती है। मत चलाओ दीदी, छीन भर आराम करने को भी जी तरस कर रह जाता है। इतना काम किसी दूसरे के घर कर देती तो इससे कहीं आराम से रहती। ऊपर से वह एहसान मानता, यहाँ काम करते करते मर जाओ पर किसी का मुंह ही सीधा नहीं होता। दोनों पानी भरकर चली गई तो गंगी वृक्ष की छाया से निकली और कुएं की जगत के पास आई। बेफिक्रे चले गए थे। ठाकुर भी दरवाजा बंद कर अंदर आंगन में सोने जा रहे थे। गंगी ने क्षणिक सुख की सांस ली। किसी तरह मैदान तो साफ हुआ। अमृत चुरा लाने के लिए जो राजकुमार किसी जमाने में गया था, वह भी शायद इतनी सावधानी के साथ और समझ बूझ कर न गया होगा। गंगी दबे पांव कुएं की जगत पर चढ़ी। विजय का ऐसा अनुभव उसे पहले कभी न हुआ। उसने रस्सी का फंदा घड़े में डाला, दाएं बाएं चौकन्नी दृष्टि से देखा, जैसे कोई सिपाही रात को शत्रु के किले में सुराख कर रहा हो। अगर इस समय वह पकड़ ली गई ना, तो फिर उसके लिए रियायत या माफी की कोई गुंजाइश नहीं। अंत में देवताओं को याद करके उसने कलेजा मजबूत किया और घड़ा कुएं में डाल दिया। घड़े ने पानी में गोता लगाया, बहुत ही आहिस्ता, जरा सी आवाज ना हुई। गंगी ने 2-4 हाथ जल्दी जल्दी मारे, घड़ा कुएं के मुंह तक आ पहुंचा। कोई बड़ा सहजोर पहलवान भी इतनी तेजी से न खींच सकता था। गंगी झुकी कि घड़े को पकड़कर जगत पर रखे कि एकाएक ठाकुर साहब का दरवाजा खुल गया। शेर का मुंह भी इससे अधिक भयानक न होगा। गंगी के हाथ से रस्सी छूट गई। रस्सी के साथ घड़ा धड़ाम से पानी में गिरा और कई क्षण तक पानी में हिलकोरे की आवाजें सुनाई देती रही। ठाकुर, कौन है, कौन है रे, पुकारते हुए कुएं की तरफ आ रहे थे और गंगी जगत से कूद कर भागी जा रही थी। घर पहुंचकर देखा कि जोखू लोटा मुंह से लगाए वही मैला गंदा पानी पी रहा है। अभी आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद की लिखी कहानी ठाकुर का कुआं। हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।